PSL की ताजा खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे MTT न्यूज चैनल को और इस बेल आइकन को दबा के ऑल पे सेलेक्ट कर ले ताकि दोस्तों आपको हमारी आने वाली सभी PSL की ताजा खबरों की जानकारी आपके फोन पर मिल जाए। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं देव कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने MTT न्यूज चैनल में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको PSL के बारे में काफी कुछ ताजा जानकारियां देने वाला हूं। जी हां दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ आपको इस वीडियो में क्या क्या जानकारियां मिलने वाली है। पहली बात तो यह है दोस्तों कि आप में से काफी लोगों के कितने सारे सवाल आते हैं रोजाना मेरे पास। मैंने पहले भी एक ऐसा सिस्टम बताया था आपको जिससे कि आप मुझे कॉल कर सकते थे, तो मैंने पहले टाइम रखा था दोस्तों शाम के 5 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक। तो अब दोस्तों आप मुझे दिन में कभी भी कॉल कर सकते हैं किसी भी टाइम, और कैसे कॉल करना है अगर आपको नहीं पता है तो इस वीडियो को पूरा आगे तक देखते रहिए, मैं आपको बता दूंगा कैसे आप कॉल मुझे कर सकते हैं। और दोस्तों सेबी की ऑफिस की तरफ से क्या मतलब जानकारी आई है नई, और आगे क्या होने वाला है, सेबी कब तक पैसा लुटाएगी, इस बारे में भी हम बात करेंगे इसी वीडियो में। आज मैं आपको दोस्तों अपने MTT न्यूज के व्हाट्सएप ग्रुप से भी जोड़ूंगा जो लोग नहीं जुड़े हुए हैं। वैसे दोस्तों काफी सारे लोग हैं जो कि मेरे MTT न्यूज ग्रुप से जुड़े हुए हैं व्हाट्सएप ग्रुप से, जिनसे कि उनको हर एक छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी अपडेट जो है PSL के बारे में सभी व्हाट्सएप पर जानकारी मिल जाती है। अगर आप अभी तक हमारे MTT न्यूज व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा आखिरी तक देखिएगा, आपको मैं अपने MTT न्यूज व्हाट्सएप ग्रुप से भी जोड़ दूंगा। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए अब आपको मैं आगे सारी जानकारी देना शुरू करता हूं। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि सेबी ऑफिस की तरफ से क्या जानकारी आई है। तो दोस्तों मैं आप सबको बता दूं कि 24 फरवरी 2020 को इंदौर के सेबी ऑफिस में और लखनऊ के सेबी ऑफिस में दोनों ही जगह दोस्तों PSL के पीड़ित निवेशक पहुंचे थे और दोस्तों सेबी ऑफिस के ब्रांच मैनेजर को एक वार्निंग मेमोरेंडम दिया, यानी कि दोस्तों सेबी को चेतावनी दी कि अगर जल्द से जल्द यह नहीं बताएगा कि PSL का पैसा कब तक मिल जाएगा, इसकी कोई जानकारी जब तक लिखित में नहीं मिल जाती है और इसकी कोई समय सीमा भी तय होनी चाहिए कि कब तक पैसा मिल जाएगा। तो दोस्तों इसी चीज के लिए काफी सारे संगठन ने मिलके एक वार्निंग दिया है सेबी को लिखित में कि जल्द से जल्द PSL के निवेशकों का पैसा लौटाया जाए और सभी PSL निवेशकों को हर चीज की डेली अपडेट मिलती रहनी चाहिए सेबी की तरफ से, जो कि दोस्तों अभी नहीं मिल रही है। और अगर ऐसा सेबी नहीं करती है तो दोस्तों कुछ समय बाद सभी संगठन मिलके अनिश्चितकालीन तक सेबी ऑफिस में धरना प्रदर्शन करेंगे। और दोस्तों जैसा कि आपने मेरी पहले की वीडियो देखी होगी एक दो दिन पहले की, जो कि दोस्तों अमित गर्ग जी की वीडियो थी, उन्होंने लखनऊ के सेबी ऑफिस में जाकर सेबी से सवाल जवाब किए थे कि कोई निश्चित समय बताइए कि कब तक पैसा मिलेगा। तो जैसे कि आपने अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो मैं आप सबको बता दूं उसमें सेबी जवाब नहीं दे पा रहे थे कि उनको यही नहीं पता कि कितने दिनों में निवेशकों का पैसा लौटा दिया जाएगा। और दोस्तों लेकिन 4-5 साल से सेबी लोढ़ा कमेटी प्रॉपर्टी की नीलामी को लेकर बस गुमराह कर रहे हैं इतने सालों से निवेशकों को, लेकिन दोस्तों अभी तक सभी निवेशकों को पैसा नहीं मिल पाया है। और दोस्तों सेबी ने जो वेबसाइट अभी ओपन की है जिसमें कि आप रिफंड स्टेटस चेक कर सकते हैं और उसमें अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं, लेकिन दोस्तों इसमें भी 500 तरह की गलतियां हैं इस वेबसाइट में। मेरे पास दोस्तों काफी सारे निवेशक डेली के डेली कमेंट करते हैं कि ये प्रॉब्लम आ रही है वो प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन दोस्तों सेबी उस वेबसाइट को सही नहीं कर रही है। दोस्तों जो लोग उसमें सही नहीं कर पा रहे हैं अपनी गलतियों को, तो उनके लिए भी जल्द ही एक वीडियो आने वाली है जिसमें कि आपको दोस्तों पूरी जानकारी मिलेगी। तो चलिए दोस्तों आप बात करते हैं कि आप कैसे मुझे दिन में कभी भी किसी भी टाइम आप मुझे कॉल कर सकते हैं डायरेक्ट और आपकी बात होगी मुझसे कभी भी किसी भी समय सुबह 9 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक। कैसे कॉल करना है ये दोस्तों मैंने अपनी पहले की वीडियो में बता दिया था, तो चलिए मैं वही वीडियो चला देता हूँ, बस 10-20 सेकंड की है तो आप ये वीडियो भी जरूर देख लें। दोस्तों एक कॉल मी फॉर ऐप है जिसके थ्रू आप मुझसे डायरेक्ट कॉलिंग पे बात कर सकते हैं और आप उस पर मुझसे सवाल भी पूछ सकते हैं। तो जो भी मुझसे बात करना चाहते हैं कॉलिंग के थ्रू, तो आप ये स्क्रीन पर देख रहे होंगे कॉल मी फॉर का ऐप का लोगो, आप इसे प्ले स्टोर पर डाउनलोड कीजिए। और दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको इस ऐप का लिंक मिल जाएगा, आप इस ऐप को डाउनलोड कीजिए और वहाँ पे दोस्तों आप मुझसे डायरेक्ट कॉलिंग पे बात कर सकते हैं। जब आप इस ऐप पे अकाउंट बना ले लॉगिन कर ले तब दोस्तों आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस आएगा, फिर आप वहाँ पे सर्च कीजिए MTT न्यूज, तो दोस्तों मेरी फोटो आ जाएगी वहाँ पे, आपको कॉलिंग का भी ऑप्शन आ जाएगा। तो आपने जैसा कि वीडियो में देख लिया कि आपको किस तरह से कॉल करना है और आप सुबह 9 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक कभी भी कॉल कर सकते हैं। और एक और बात बता दूं दोस्तों, इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद आप अपनी सभी डिटेल इसमें जरूर भरें, जो मतलब नाम फोटो वगैरह ही कुछ छोटी मोटी डिटेल डालनी पड़ती है और फोन नंबर और कुछ नहीं, तो ये सब आप उस ऐप में डिटेल जरूर डाल दें, फिर दोस्तों आपकी डायरेक्ट बात मुझसे हो जाएगी जैसा कि मैंने आपको बताया।
तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं कि आप किस तरह से हमारे एमटीडी न्यूज व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते हैं, आपको गूगल पर सर्च करना है mtdnews.in। जैसा कि आप सबको पहले से पता होगा कि मेरी वेबसाइट है mtdnews.in। लेकिन दोस्तों एक और जरूरी बात बता दूं कि जो लोग mtdnews.in सर्च करते हैं तो वो ध्यान से करें कि mtd और न्यूज के बीच में स्पेस जगह खाली जगह ना छोड़े, डायरेक्ट सीधा लिखें mtdnews.in गूगल पर, जैसा कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा उसी तरह लिखें और सर्च करें तो सबसे ऊपर मेरी वेबसाइट आ जाएगी। आपको उस पर क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप उस पर क्लिक करेंगे तो मेरी वेबसाइट खुल जाएगी और आपको स्क्रीन पर ऐसा इंटरफेस नजर आएगा। तो दोस्तों आपको इसी पेज पर ऐसे नीचे करते हुए चेक करना है, जहाँ पे भी ये लिखा होगा कि एमटीडी न्यूज के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े और पाए पीएसएल की ताजा खबर, जैसा कि दोस्तों आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों फिर क्लिक करने के बाद देखिए ये नया पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये पूरी खबर, मैंने कुछ इसमें दोस्तों मैंने कुछ जरूरी जानकारियां लिखी है। आप जब मेरी वेबसाइट पर जाएं तो इसे जरूर पढ़ लें, बहुत ही जरूरी जानकारी है पीएसएल के निवेशकों के लिए। तो इसे पढ़ने के बाद दोस्तों आप जैसे कि आप स्क्रीन पर देख लीजिए लिखा हुआ एमटीडी न्यूज ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ऐसे दोस्तों 11 ग्रुप है, टोटल 11 ग्रुप है। तो दोस्तों आप सोच रहे होंगे मैंने इतने सारे ग्रुप किस लिए बनाए हैं, क्योंकि दोस्तों एक व्हाट्सएप ग्रुप में सिर्फ 250 लोग ही जुड़ सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों मैंने 10-11 ग्रुप बनाए हैं। जब ये दोस्तों ग्रुप फुल हो जाएंगे तो मैं दोस्तों और भी आपके लिए नए ग्रुप और भी बना दूंगा और उसकी भी डिटेल आपको इसी पेज पर मिल जाएगी। दोस्तों आपको ग्रुप ज्वाइन करने के लिए यहाँ पे ज्वाइन ग्रुप के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो क्लिक करते ही दोस्तों व्हाट्सएप खुल जाएगा और वहाँ पे ज्वाइन चैट का ऑप्शन आएगा या कुछ ज्वाइन का ऑप्शन आएगा, तो आपको उस पर क्लिक करके, जब आप उस पर क्लिक करोगे तो डायरेक्ट आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाओगे। दोस्तों मान लो ये एमटीडी न्यूज ग्रुप 1 भर गया, फुल हो गया है, नहीं जुड़ पा रहे हो आप, तो दोस्तों ग्रुप 2 ट्राई करें। अगर दोस्तों दूसरा ग्रुप भी भर गया तो तीसरे ग्रुप, ऐसे दोस्तों करते करते 11 ग्रुप है, आप इनमें से कोई भी ग्रुप में जुड़ सकते हैं। इससे दोस्तों फायदा यह होगा कि आपको पीएसएल की जो छोटी से छोटी खबर है और बड़ी से भी बड़ी खबर डायरेक्टली आपके व्हाट्सएप पर फोन पर मिल जाएगा। और दोस्तों एक और जरूरी बात कि एक व्यक्ति सिर्फ एक ही ग्रुप में जुड़े, सभी ग्रुप में ना जुड़े। जो भी दोस्तों एमटीडी न्यूज ग्रुप 1 में खबर आएगी वही सारी खबरें सारे ग्रुपों में आएगी, तो इसलिए एक व्यक्ति सिर्फ एक ही ग्रुप में जुड़े। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तो मैंने आपको बता दिया आप किस तरह से कॉल कर सकते हैं मुझे और आप किस तरह से मेरे एमटीडी न्यूज के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, और दोस्तों सेबी की ऑफिस की तरफ से क्या ताजा जानकारी आई है वो भी आपको मैंने बता दिया। और दोस्तों सेबी की तरफ से एक और नया अपडेट आया है जो कि दोस्तों मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि दोस्तों आज की ये वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो चुकी है पहले ही। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और भी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। ठीक चालू है। नमस्कार जी। पूरे देश की पल्स पीड़ित साथियों को, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि आज 24 फरवरी को सभी ऑफिसों में, सेवी के ऑफिसों में हम लोग अपनी बात रखने के लिए और आगे की जानकारी लेने के लिए उपस्थित हुए। मैं एडवोकेट अमित कर, बड़े भाई रामदेव गौतम जी, प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रामसागर शुक्ला जी और अपने साथियों के साथ अजीत कुमार जी यहाँ लखनऊ सेवी ऑफिस में आया हुआ हूँ। हमारी लगभग पिछले 1.5 घंटे से सेवी ऑफिस के राजमेंद्र से वार्ता हुई। वार्ता का जो निष्कर्ष निकला वह यही निकला कि सेबी पूरी तरह से ये अभी निश्चित नहीं कर पा रही है कि कितने वर्षों में निवेशकों का भुगतान हो जाएगा, किस तरीके से हो पाएगा। जिस प्रकार से 5 वर्षों से नीलामी ऑक्शन के नाम पर हम लोग गुमराह होते रहे हैं, न ही संपत्ति पूरियां बिक पा रही हैं, न निवेशकों के खातों में पैसा आ पा रहा है, न मूल का मूल आ रहा है, ब्याज बहुत दूर की बात है, आखिर क्यों। सच्चाई बहुत है तो अभी तो मैं नहीं बताऊंगा कि सच्चाई क्या चल रही है, क्योंकि इसमें बहुत गोलमाल हो चुका। उसमें बड़े दुख के साथ रहना पड़ रहा है कि कभी जिन संगठनों का मैं हिस्सा रहा था उन संगठनों पर जो वाकई में आज आरोप लग रहे हैं वे कहीं ना कहीं सच हैं कि उन संगठनों के कारण आज पैसा नहीं मिल पा रहा। सच्चाई और भी है तो मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। बस आज इतना ही कहूंगा कि सेवी ऑफिस से हमें कोई भी ऐसी जानकारी आज प्राप्त नहीं हुई कि निकट भविष्य में सभी का पैसा मिल सके। कितना समय लगेगा ये तो नहीं कह सकता, लेकिन सिर्फ इतना बता रहा हूं कि अब एक नई ऊर्जा के संग, नई क्रांति के संग और सुप्रीम कोर्ट से इस लड़ाई को पुनः हम प्रारंभ करेंगे। बहुत जल्द आपके पास उसकी पूरी रणनीति आएगी, क्योंकि अब हम थक चुके हैं
दूसरों के इशारों पर चल चल कर। तो उत्तर प्रदेश से तैयार रहिए नई ऊर्जा के साथ, और हम अपना पैसा लेकर रहेंगे, सिर्फ मैं इतना आपसे वादा करता हूँ। जय हिंद जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रामसागर शुक्ला, जो सेबी ऑफिस लिखा हुआ है, हर निवेशक की ताकत, हंसी आती है इस बात पे कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सेबी ने जो जिम्मेदारी ली है, मैं नहीं मानता हूं कि ये अपनी जिम्मेदारी पूर्णता निभा पाएंगे। फिर भी जैसा अमित गर्ग जी ने कहा, नई ऊर्जा के साथ, नई क्रांति के साथ, नई लड़ाई के साथ हम लोग बहुत जल्द बहुत बड़ा ऐलान करने वाले हैं, जिसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से होने वाली है। और हर निवेशक को पैसा दिलाना हम लोगों का प्रथम प्रमुख कर्तव्य है। आने वाले समय में जो आज जो वार्ता से निकल करके आया है, ना लोड़ा साहब जिम्मेदारी ले पा रहे हैं, ना पूरी तौर से सेबी के अधिकारी ले पा रहे हैं, तो मैं हर निवेशक से यही कहना चाहूंगा, अगर पैसा चाहिए तो जागो, अपने सीनियर और जूनियर को जगाओ, घर से बाहर निकालो, सड़कों पर आओ, तभी शायद पैसा मिल पाएगा। जब तक किसी संगठन के साथ आप नहीं लगेंगे, और उन संगठनों के साथ जहां पर केवल बेवकूफ बनाया जा रहा, गुमराह किया जा रहा, हमारा पर यूज किया जा रहा है, शायद उन्हीं की बदौलत आज 5 साल हो चुके हैं। हमारा संगठन बहुत जल्द ही नई क्रांति के साथ मात्र 6 महीने के अंदर बहुत कुछ आपको देने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद जो आज यहाँ पर आए हमारे बड़े भाई रामदेव गौतम जी, हमारे और बहुत सारे साथी जो सेबी ऑफिस में आए। धन्यवाद।